नमस्कार, मैं वरुण कुमार, स्वागत है आपका मनी नाइन के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां हम आपको बताएंगे आज वो खबरें जो डालेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो उसे इसी हफ्ते निपटा लें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। भारतीय बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक का कहना है कि हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 26 और 27 मार्च को बैंकों में अवकाश है, ऐसे में बैंक पूरे 4 दिन बंद रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल सरकारी बैंकों को प्राइवेट बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में की जा रही है। SBI ने कहा कि वो अपनी ब्रांच और ऑफिस में कामकाज को सामान्य बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हड़ताल के कारण काम कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। अमेरिका में 10 साल वाले बॉन्ड की यील्ड पहुंची 40 साल की ऊंचाई पर। अमेरिका में 10 साल वाले बॉन्ड की यील्ड पिछले 7 महीनों में 100% से ज़्यादा बढ़कर 2.417% पर पहुंच गई, जो पहले 1.127% थी। 2018 के बाद फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के बाद यील्ड में ये बढ़ोतरी हुई है। बॉन्ड यील्ड और इक्विटी बाजार के बीच उल्टा संबंध है। यील्ड के बढ़ने का असर इक्विटी बाजारों पर पड़ेगा। अमेरिका में यील्ड बढ़ने का मतलब है भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और बढ़ेगी। ज़्यादा रिटर्न और सुरक्षित निवेश के लिए विदेशी निवेशक यहाँ से पैसा निकालेंगे। मतलब सीधा है, बाजार में उथल पुथल का दौर आगे भी बना रह सकता है। क्या आपको भी अपने स्मार्टफोन खोने या चोरी होने का डर हमेशा सताता है? तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। ICICI लॉम्बार्ड जर्नल इंश्योरेंस कंपनी ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर स्मार्टफोन इंश्योरेंस की शुरुआत की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप पर स्मार्टफोन इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। ग्राहक फास्ट, पेपरलेस और सिक्योर डिजिटल प्रोसेस से इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। डिजिटल एडॉप्शन में बढ़ोतरी से स्मार्ट डिवाइसेस, खासकर स्मार्टफोन की मांग कई गुना बढ़ गई है। ICICI लॉम्बार्ड का स्मार्टफोन इंश्योरेंस सॉल्यूशन फोन को किसी भी क्षति से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ग्राहक पॉलिसी पीरियड के दौरान 2 बार क्लेम फाइल कर सकते हैं। इसमें ग्राहकों को फ्री पिकअप और डिलीवरी की सुविधा भी मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में आ रहा है धीरे धीरे सुधार। देश के शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2021 में घटकर 9.8% रह गई, जो इससे पहले साल की इसी अवधि में 13.2% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताज़ा सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2020 में सबसे ज़्यादा थी। ऐसा कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण था। NSO के 12वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक अप्रैल जून 2021 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में 12.6% थी। इस सर्वे के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर भी जुलाई सितंबर 2021 में घटकर 11.6% रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 15.8% थी। बैंकों में FD कराने वालों के लिए आई आज एक और अच्छी खबर। पब्लिक सेक्टर के प्रमुख बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने 22 मार्च से FD की ब्याज दरों को रिवाइज किया है। इस संशोधन के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की रिवाइज FD दरें 7 दिनों से लेकर 10 साल की अवधि वाली FD पर लागू होंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा 7 दिनों से लेकर 45 दिनों में मैच्योर होने वाली FD पर 2.80% की दर से ब्याज देगा। एक साल में मैच्योर होने वाली FD के लिए ब्याज दर 5% होगी। एक साल से ऊपर और 3 साल तक की जमा राशि पर 5.1% और 3 साल से ऊपर और 10 साल तक की FD पर 5.35% की दर से ब्याज मिलेगा। अगर आप भी सिप के जरिए विदेश में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने S&P 500 इंडेक्स फंड, MSCI EAFE टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स फंड और NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सहित मौजूदा निवेश को 1 अप्रैल 2022 से अस्थायी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी का यह कहना है कि इंडस्ट्री आधारित विदेशी निवेश सीमा के पूरे होने के कारण इस पर रोक लगाई गई है।
नियामक से सीमा बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद इस निवेश को दोबारा शुरू किया जाएगा। अन्य म्यूचुअल फंड हाउसेज ने भी अपने ओवरसीज फंड में फ्रेश सिप, एसटीपी और लमसम निवेश पर रोक लगा दी है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आया एक नया इंडेक्स फंड। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी SDL सितंबर 2027 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है। टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड डेट सिक्योरिटीज में पैसिव इन्वेस्टमेंट है। ये फंड मैच्योरिटी तक सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं। ये इंडेक्स फंड 30 सितंबर 2027 को मैच्योर होगा। इसकी सांकेतिक यील्ड 6.64% है। STT कलेक्शन सालाना आधार पर 25% बढ़ा। शेयरों की खरीद बिक्री पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT से सरकार को होने वाली कमाई चालू वित्त वर्ष में अब तक सालाना आधार पर 25% बढ़ गई है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि बाजार में गतिविधियां बढ़ी हैं। 15 फरवरी तक चालू वित्त वर्ष में STT कलेक्शन 21,231 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा 16,927 करोड़ रुपए था। बाजार विशेषज्ञों का यह कहना है कि STT कलेक्शन में बढ़ोतरी का मतलब ये है कि बाजार गतिविधियों में तेजी आई है, ट्रेड वॉल्यूम और खरीद बिक्री बढ़ी है। STT लिस्टेड शेयरों की खरीद बिक्री पर लगता है और इसका भुगतान खरीदने और बेचने वाले दोनों को करना होता है। कैपिटल मार्केट का हाल के वर्षों में बहुत विस्तार हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी भी इसमें बढ़ी है। कच्चे माल की बढ़ती लागत से आपका इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सपना भी महंगा हो जाएगा। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती इनपुट और कंपोनेंट कॉस्ट को लेकर परेशान हैं। इसकी वजह 2, 3 और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के अपने ऊपर उत्पादों के दाम बढ़ाने का बहुत ज़्यादा भारी दबाव है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अगले महीने से इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में 6 से 8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। टाटा मोटर्स और एथर एनर्जी सहित कुछ कंपनियों ने पहले ही दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि हीरो इलेक्ट्रिक और काइनेटिक ग्रीन एनर्जी जैसी अन्य कंपनियां कितनी कीमत बढ़ाई जाएं इस पर विचार कर रही हैं। देश में सबसे पसंदीदा भुगतान तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। देश में उपभोक्ताओं के बीच सबसे पसंदीदा भुगतान तरीका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI है। पर्सन टू मर्चेंट मार्केट में UPI की 56% हिस्सेदारी है। वैल्यू के मामले में UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन की हिस्सेदारी 41% है। हालांकि मर्चेंट एक्सेप्टेंस पेमेंट इकोसिस्टम में कार्ड अभी भी सबसे आगे हैं। वॉल्यूम के मामले में इसकी हिस्सेदारी 26% और वैल्यू के मामले में 53% है। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट्स पर। कृष्णा डिफेंस का 11.89 करोड़ रुपये का IPO 25 मार्च को खुलेगा। कंपनी IPO से मिले पैसे का इस्तेमाल अपनी वर्किंग कैपिटल ज़रूरतों का पूरा करने, कंपनी के सामान्य कामकाज और इस इश्यू से जुड़े खर्च को पूरा करने में करेगी। कृष्णा डिफेंस के शेयर NSE SME एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इसकी लिस्टिंग 6 अप्रैल 2022 को हो सकती है। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।